पावरग्रिड जॉलजीबी द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज जॉलजीबी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत था। चित्रकला प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। छात्र छात्राओं ने चित्रकला के माध्यम से संबंधित विषय पर अपने विचारों को चित्रों में उल्लिखित कर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके पश्चात छात्र छात्राओं को भ्रष्टाचार से बचने हेतु शपथ दिलाई गयी। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम 6 बच्चू गुंजन, काव्या, अनुष्का, कार्तिक, निकिता और अभय को पावरग्रिड द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य पूनम ग्वाल ने छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और पावरग्रिड को धन्यवाद ज्ञापित किया। पिथौरागढ़ के खतीगांव के सलकोट में आज सुबह घर के पास ही 3 महिलाओं पर गुलदार ने हमला बोल दिया है। हमले में 3 महिलाएं घायल हो गयी। सुबह हुए गुलदार के हमले से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों द्वारा घायल महिलाओं को जिला अस्पताल पहुँचाया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम भी अस्पताल पहुंचने के बाद मौके को रवाना हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर खतीगांव ग्राम सभा के सलकोट में आज बुधवार की सुबह घर के आंगन में चूड़े कूट रही 3 महिलाओं पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। महिलाओं के हल्ला मचाने पर घरों में मौजूद लोग बाहर निकले और सभी के हल्ला करने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। हमले में पद्मा देवी, कस्तूरा देवी व मीना देवी घायल हो गयी, जिसमें से 2 महिलाओं के पांव व 1 महिला के हाथ में जख्म बताए जा रहे हैं। आनन फानन में ग्रामीणों द्वारा महिलाओं को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार जारी था। हमले की सूचना पर वन विभाग रेंजर पूरन सिंह देवपा की अगुवाई में उपवन क्षेत्राधिकारी कुणाल बिष्टे, वन दरोगा तेज सिंह, महिमा स्यालाकोटी, वन आरक्षी गिरीश जोशी, मनोज जालाई, प्रियंका पंते, नीलम जोशी, प्रकाश जोशी, योगेश पांडे, भारती मौके को रवाना हो गए। इधर गुलदार के हमले से भयभीत ग्रामीणों ने वन विभाग से शीघ्र गुलदार के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के बरम में एक वाहन अनियंत्रित होकर गोरी नदी के निकट गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसने सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई से शव निकालकर 108 के माध्यम से सीएचसी धारचूला भिजवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते देर सायं बरम क्षेत्र में एक वाहन UK 05H6661 के गोरी नदी के निकट खाई में गिरने की सूचना जॉलजीवी पुलिस को मिली। सूचना पर SHO जॉलजीवी संजीव कुमार की अगुवाई में पुलिस व SDRF की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हादसे में वाहन के परखच्चे उड़ गए थे। रेस्क्यू अभियान खोजबीन के दौरान वाहन में सवार व्यक्ति युवक वीरेंद्र सिंह मर्तोलिया पुत्र स्वर्गीय कुंदन सिंह निवासी सुरिंग मुनस्यारी उम्र 40 वर्ष की मौत हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम द्वारा शव को सड़क पर लाकर 108 के माध्यम से पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए धारचूला CHC भिजवाया गया। रेस्क्यू टीम द्वारा काफी खोजबीन की गई। वाहन में एक ही व्यक्ति का सवार होना बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि रात अधिक होने के कारण आज बुधवार को पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।